ठीक है। सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स, वी स्टार्टेड विद मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट आर डिसॉल्वड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स। ठीक है जी। अब जब आपको पूछा हुआ है कि 40 ग्राम्स जो है वो NaOH हमने डिसॉल्व किए हैं इन 15 लीटर्स, ठीक है, इन 15 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। So that was very easy. We will be finding firstly moles, number of moles of NaOH. NaOH ke number of moles kitne ho jayenge beta? That is mass over molecular mass. So NaOH ka molecular mass hum nikal lenge 23 plus 16 plus 1. That is 40 hai. Molar mass bhi 40 hai. ठीक है, तो इसके मोल्स आ गए हैं 1, दिस इज 1 मोल। तो हमने 1 को डिवाइड कर देना बाय 15 सिंपली। ठीक है जी, हमने 1 को 15 से डिवाइड कर देना, दैट विल बी गिविंग यू सम राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 0.006 कैसे आई है? एक मिनट मुझे चेक करने को। ओके, वी हैव एक्चुअली पुट हियर 40, तो इसका 20 है, दैट्स व्हाई द वैल्यू चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर 20 है, तो दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। तो जब आप 0.5 को 15 के साथ डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 0.03 मोल पर लीटर। ठीक है जी। ओके अदिति, दिस इज योर आंसर बेटा। तो ऐसे हमने मोलारिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशंस। सो द आंसर इज 0.03 मोल पर लीटर। ओके, चलिए उसके बाद लेट्स कैलकुलेट दी मोलालिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो क्या है हमारी, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट द सॉल्यूशन एंड इट्स मास, वी टॉक अबाउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, वी टॉक अबाउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, राइट? सो दैट इज मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स आपने सेम निकाल लेने हैं, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो हर हमेशा हमने सॉल्वेंट का मास निकालना है। एंड इन दीज केसेस वी विल बी एम्प्लॉइंग द रिलेशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास निकालने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, और डेंसिटीज चाहिए। ठीक है, तो ये जो मोलालिटी वाले नॉर्मली न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनमें आपको कई बार डेंसिटीज गिवन होती हैं, वॉल्यूम्स गिवन होती हैं, तो वहां से आपने मास जो है वो सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोर प्रेफर्ड, मोलैरिटी ज्यादा प्रेफर करते हैं हम कि मोलैलिटी? हाँ जी नमन, कौन सी चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं? मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, क्यों? क्योंकि इसमें हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड विद चेंज इन टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाती है,
things expands on heating. पढ़ा ना हमने, जब हम चीजों को हीट करते हैं तो उनकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, दे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, बट जो उनका मास है विद टेम्परेचर वो क्या रहता है, सेम रहता है. इसीलिए जो आपकी मोलारिटी है जो कैपिटल एम वाली है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है. ओके, तो मोलारिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी विद चेंज इन टेम्परेचर, बट मोलारिटी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी विद द टेम्परेचर. ठीक है जी, अब इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊं कि पहले सारी कंसीडरेशन टर्म्स डिस्कस कर लें. मोलारिटी पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर बाद में सारे रैंडम क्वेश्चन भी. उसके बाद थर्ड कंसीडरेशन टर्म है नॉर्मैलिटी. इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नॉर्मैलिटी, दैट इज एक्चुअली कैपिटल एन. अब ये थोड़ी डिफरेंट होती है बाकियों से. नॉर्मैलिटी जो है दैट इज, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या लिखते हैं, वी राइट डाउन द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट. क्या लिखते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट. जैसे आप वहां पे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस लिखते हैं. एंड नीचे वाली टर्म सेम है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर. ठीक है, बाकी नीचे वाली सेम है. ओके, अब जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हो, हाउ यू राइट नंबर ऑफ मोल्स एज गिवन मास. ओवर मोलर मास, ऐसे लिखते हो ना, जो आपके मोल्स होते हैं आप उनको ऐसे एक्सप्रेस करते हो. तो हमारे ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं हम इनको कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट डाउन एज ग्राम इक्विवेलेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स. हमने सॉल्यूट का मास लिखना है ग्राम्स में. And we will be writing or dividing it with the equivalent mass. We will be dividing it with the equivalent mass. ठीक है जी, given mass same है, mass of solute जो आपको given है. Molar mass की बजाय हम कौन सा mass लिखते हैं, equivalent mass. Molar mass की जगह हम कौन सा mass लिखते हैं, equivalent mass. Now this equivalent mass, ये सबका different different होता है. For example, if I want to find the equivalent mass of an acid, अगर मैंने एक acid का equivalent mass निकालना है, तो वो किसके equal होगा? उसके molar mass divided by its basicity. Now, what is basicity of an acid? कि वो कितने hydrogen ion release करेगा? ठीक है, that is the basicity of an acid. Like if we talk about HCl. HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? What is the basicity of HCl? How many hydrogen ions it can replace? हाँ जी बेटा, कितने हाइड्रोजन आयन ये रिप्लेस कर सकता है नमन? एक ही है तो एक ही रिप्लेस करेगा. ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी. ओके, एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा ना, ये H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, तो एक हाइड्रोजन आयन हो गया आयनाइजेबल. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट H3PO4, तो इसमें तीन हाइड्रोजन आयन है जो रिप्लेसेबल है. ठीक है, सिमिलरली वी विल बी राइटिंग द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस. तो बेस के लिए हम क्या देखेंगे, बेस के लिए हम उसकी एसिडिटी देखेंगे. दैट मींस वो कितने OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो रिप्लेस कर सकता है. NaOH की एसिडिटी कितनी होगी, वन, क्योंकि NaOH एक OH नेगेटिव आयंस रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, टू,
क्योंकि वो दो दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मैलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके इक्वल होते हैं मास जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, एंड इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल है, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी सॉल्ट, तो यहाँ पर हम एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं देखते हैं सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए हम क्या देखेंगे, आइदर चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, कैटायन पे कितना चार्ज है या एनायन पे कितना चार्ज है, हम वो देखेंगे। ओके, जैसे NaCl सॉल्ट है, एक कैटायन है एक एनायन है, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, 1-1, ठीक है, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, OH के ऊपर भी क्या हो जाएगा, 2 OH लगे हुए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो ऐसे हम चार्ज देखेंगे। ओके, राइट, सो दिस इज अबाउट द नॉर्मैलिटी। अब एक फॉर्मूला है मिक्सिंग का, सी व्हेनेवर वी आर हैविंग टू सॉल्यूशंस दैट वी हैव मिक्स्ड, सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी M1 थी और वॉल्यूम V1 थी, मैंने उसको मिक्स कर दिया दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसकी मोलैरिटी M2 है वॉल्यूम V2 है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन किस मोलैरिटी का बनेगा, इट विल बी इक्वल टू M3V, ठीक है जी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपने रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग इट, so by this formula we will be getting the molarity of the final solution now that we get by mixing, theek hai, and same is for the case of normality, n1v1 n2v2 over v3 that is going to give the molarity of the resultant solution, theek hai ji। aur abhi aap ek formula to padh ke aa hi rahe ho, एसिड और बेस का जो प्रैक्टिकल में हम पढ़ते हैं, M1V1 is equal to M2V2, ये तो मैंने प्रैक्टिकल्स में भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अगर एक सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी M1 है दूसरा V1 है, ठीक है, M1V1 एंड M2V2 है, तो जो रिजल्टिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, ठीक है, so the molarity of the resulting solution will be equal to the molarity equation, isko hum kaun si equation kehte hain, we call this equation as molarity equation, theek hai ji, ye hum practicals mein use karte hain, m1v1 is equal to m2v2, similarly normality equation aa jati hai, m1v1 is equal to m2v2, okay। ab uske baad ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मैलिटी एसिड की किसके इक्वल होती है, नॉर्मैलिटी ऑफ एन एसिड, क्विक फॉर्मूला है, अगर आपने किसी एसिड की नॉर्मैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालो एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स बेसिस, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यूज में यूज हो सकता है, अगर आपने किसी की नॉर्मैलिटी जो है वो नहीं निकाली, इतने स्टेप्स आपने नहीं फॉलो करने हैं, सिंपली उसकी मोलैरिटी निकालो और उसको बेसिसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एंड सिमिलरली फॉर द बेस, ठीक है, बेस के लिए आपने एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, ओके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, द नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन, इस फॉर्मूला में जो मैंने V3 लिखा है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, डू रिमेम्बर, ठीक है, जो वॉल्यूम आएगी वो उन दोनों को मिक्स करके आएगी, ओके। मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं हम इसको, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप आगे इसको पढ़ोगे। अगर मैंने किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है,
सपोज मेरे पास ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने मास फ्रैक्शन निकाली थी, ऐसे ही अगर मैंने मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए कंपोनेंट की, दैट विल बी इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स. So by this formula you can find out the mole fraction of any component. अगर B की कही है तो B वाला ऊपर रख देना हमने और नीचे again total mole fraction लिख देना. Okay? So this is the formula of mole fraction. अभी numericals लिख लो एक आधा. So that these terms will be clear to you. चलिए mole fraction वाले पहले कर लेते हैं. Write down. Calculate the mole fraction of ethylene glycol. Calculate the mole fraction of ethylene glycol that is having the formula C2H6O2. अब तो आपको भी पता होना चाहिए ethylene glycol क्या है. You have done the organic nomenclature. Ethylene glycol. Naman. ऐसा structure नहीं बना रहा था. Diols वाला. That is ethylene glycol. ठीक है, याद रखना. And water in solution. Containing 20% of ethylene glycol by mass. Containing 20% of ethylene glycol by mass. I am repeating the question again. You have to calculate the mole fraction of ethylene glycol and water. Water की और ethylene glycol दोनों की निकालनी है. In a solution, एक solution में containing 20% of ethylene glycol by mass, containing 20% of ethylene glycol by mass. ठीक है जी. अब एक चीज यहाँ पर आप और देख सकते हो. See, if I'm talking about the mole fraction of A here, और अगर मैंने B component की निकालनी है, तो आपने हमेशा ये formula याद रखना. दोनों कंपोनेंट्स की जब आप मोल फ्रैक्शन को प्लस कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1. यानी कि अब अगर मेरे से दोनों फ्रैक्शंस पूछी हैं, दोनों मोल फ्रैक्शंस पूछी हैं, तो आप एक की निकालो और दूसरे की 1 में से माइनस कर सकते हो. ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन बी एम्प्लॉयड आल्सो. ठीक है, तो शॉर्ट हैंड शॉर्टकट फॉर्मूला ये आप लगा सकते हो. अभी आपको 20% बाय मास दिया हुआ है. व्हाट दैट मींस, 20% बाय मास का क्या मतलब होता है, कि 100 ग्राम जो है वो हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है. 20% है ना, 20% का मतलब क्या है कि इसमें मैंने 20 ग्राम क्या ऐड किया है, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया है, और 80 ग्राम क्या हो गया उसमें, वाटर. ठीक है, क्लियर. तो आपको दोनों मासेस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास. इसका मोलर मास निकालो, वाटर का तो 18 है, दोनों की वैल्यूज निकालो और आंसर बताओ. ये पार्ट क्लियर हो गया ना. 20% बाय मास का क्या मतलब है, कि मैंने 20 ग्राम जो है वो किसमें डिसॉल्व किया है, 100 में, क्योंकि परसेंट तो हम 100 में देखते हैं. ठीक है, अब आपको दोनों गिवन मासेस हैं, दोनों की मोलर मासेस निकालो और एक की निकालो, दूसरे की बाद में से माइनस करके निकालो एंड गिव मी द आंसर बेटा. ओके, रमन हैज गिवन द आंसर, दैट इज 0.06 फॉर ग्लाइकॉल. ठीक है बेटा, दूसरे की निकालो नमन जल्दी. रमन दूसरे की भी बताओ बेटा, वाटर की. टेल मी द वैल्यू फॉर वाटर ऑल्सो. So that is 0.93. ठीक है बेटा, रमन राइट 0.93.
हाँ जी नमन, निकल गया आपका आंसर बेटा। तो व्हाट वी हैव डन इज, अगर मैंने सपोज इथिलीन ग्लाइकॉल की निकालनी है वैल्यू, लेट इट बी द ए कंपोनेंट इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास इज 20, मोलर मास कितना है, मोलर मास ऊपर इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना आया है, मोलर मास ठीक है 62 आया ना, अभी तो वैल्यू बोल रहा है 0.32 है ना, 0.32 आ जाएगा ये। ओके तो ये इसका मोलर मास हो गया, हमने 0.32 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हम n निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन मास ओवर मोलर मास ठीक है 0.32। सिमिलरली यहाँ पर हमने वाटर के निकाल लेने हैं, वाटर के कितने आएंगे 80 बाय 18 कितना आया नंबर, सो दैट इज 4.44 80 बाय 18 That should be 4.42. इसको सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ मोल्स 80 बाय 18 ही है ना वाटर के, दैट इज 4.44 ठीक है। तो 0.322 ओवर 0.322 प्लस 4.44 तो ये आपको देगी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल की, दैट विल बी 0.068 ठीक है। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 0.068, फिर आपने वन में से ये 0.068 माइनस कर देना है एंड यू विल बी गेटिंग 0.94 ठीक है। तो दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन फॉर द वाटर, सो दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग द मोल फ्रैक्शन ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution of oxalic acid is prepared by dissolving, कहते हैं oxalic acid का एक solution है, oxalic acid का, I hope अब आपको formula clear होगा, that is the hydrated one, COOH, COOH got two water, ठीक है, and that is prepared by dissolving 0.63 gram of it, कितना 0.6 ग्राम ऑफ इट इनटू 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है। अब आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है तो मैं आपको कन्वर्जन बता देती हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अप्लाई दिस कन्वर्जन एंड सॉल्व इट, सिंपल है, मास आपको गिवन है ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास ओवर मोलर मास, इसका मोलर मास अभी हम पीछे प्रैक्टिकल में भी पढ़ के आए हैं कितना था 126 ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना है आप निकाल सकते हो, दैट इज 126। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और फिर हमने उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स। चलो करो नमन और आंसर बताओ। को डिवाइड कर दो 1000 के साथ ठीक है, दैट विल बी गिविंग यू 0.250 है ना, यही देगा ना हमें। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये इसको आपने सॉल्व करना, सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। इसको सॉल्व कीजिए बेटा और आंसर दीजिए मुझे। पॉइंट सिक्स थ्री इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 126 ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर्स में लेनी है बट दैट इज गिवन इन द सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने ये कन्वर्जन लगा दिया।
रमन आंसर बताओ। आया नमन आंसर कितना आया बेटा? इट्स 0.02। मोलारिटी निकाल लो तो वी विल बी राइटिंग द कैपिटल एम। ठीक है, अब नॉर्मैलिटी भी निकाल लो इसकी। सॉल्व फॉर द नॉर्मैलिटी, एन भी निकाल लो कैपिटल एन। सॉल्व फॉर द कैपिटल एन ऑल्सो बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो पहले सारे। नॉर्मैलिटी फॉर योर होमवर्क। ठीक है,